तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में, जिसका नाम है ओवरहॉल्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक रेसिंग एक तरह से मूवी है जो कि आपको देखने को मिली है ऑफिशियल एक तरह से प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या स्टोरी आपको देखने को मिली, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग यानी इस मूवी से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस मूवी के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 2 घंटा प्लस टोटल लेंथ बताई गई है इस मूवी की, और IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 5.4 की ठीक ठाक रेटिंग इसकी दी गई है। और साथ ही साथ फिल्म फॉर्टिंग की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी जो रेटिंग है वो 5 में से 3 की, यानी 5 of 3। जी हाँ दोस्तों, इसकी रेटिंग एक तरह से आधे से ज़्यादा स्तर पर यानी ठीक ठाक लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे इंग्लिश के अंदर इसे बनाया गया है और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। नेटफ्लिक्स पर इसे ज़्यादा लैंग्वेजों में डब नहीं किया गया है। आप चेकआउट कर सकते हो अपनी कंट्री के हिसाब से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। यदि आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं उसका भी लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। 60 से लगभग 40% का डिस्काउंट आपको ज़रूर से मिल जाएगा। दोस्तों अब हम इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल है जो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस रेसिंग मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपको चैनल एक तरह से पसंद आ रहा है, चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जहां तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी पर अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों अब हम इस एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारी डिटेल बता चुके हैं और अब हम कास्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन और रेसिंग मूवी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ और वो भी इसे जाकर देखें। और साथ ही साथ मेरा सजेशन ये है, ये एक ठीक ठाक टाइम पास वन टाइम वॉच मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर एक तरह से इसे देख पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से अभी हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी के बारे में, जिसका नाम है ओवरहॉल्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक रेसिंग एक तरह से मूवी है जो कि आपको देखने को मिली है ऑफिशियल एक तरह से प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्या स्टोरी आपको देखने को मिली, इसके प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग यानी इस मूवी से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों इस मूवी के बारे में अब बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों कई ज़बरदस्त मूवीज़ आई है जिनमें से एक है ओवरहॉल। जी हाँ दोस्तों, इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर उतारा गया है। बेसिकली बात की जाए तो ये एक तरह से आपने जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस देखी होगी उस टाइप की ये मूवी है, रेसिंग से रिलेटेड, और फाइट सीन भी बहुत ज़बरदस्त इसमें देखने को मिले हैं और एक्शन सीन की भरमार है फास्ट एंड फ्यूरियस की जैसे ही ये मूवी आपको देखने को मिली। IMDb रेटिंग की बात की जाए तो इस मूवी की तो 10 में से 4.8 की इसकी औसतम रेटिंग है, और फ्रूटिव की 5 में से 3 की औसतम रेटिंग है। ए गुड मूवीज़ द्वारा इसमें 10 में से 5.1 की रेटिंग दी गई है जो कि बहुत ठीक ठाक रेटिंग है
इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन लोगों द्वारा इसके जो एक्शन सीन्स हैं और सिनेमेटोग्राफी है वो एक नंबर बताई जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया कि ये आपको अभी हाल ही में देखने को मिले नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। और लैंग्वेज की बात की जाए तो मल्टीपल लैंग्वेजों में ये अवेलेबल करवाई जाएगी। हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है और इंग्लिश में भी हैं, बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से जाकर चेकआउट कर सकते हो। सोनेन मानसिन और मेजेंस इनका नाम है। इस मूवी के पहले कैरेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1983 को इनका जन्म हुआ। एक ब्रजालियन अभिनेत्री हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, सोनेन मानसिन मेजेंस इनका नाम है। 26 नवंबर 1983 को इनका जन्म हुआ। उम्र 40 साल है। पोर्टल एलग्रियोड ग्रोट और सुलन ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2002 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। और शौक मिलने से इसे इन्होंने शादी की 2022 के अंदर और इनके एक बच्चे। साथ ही साथ दोस्तों के साथ मेंजियन ने निशांग ल्यूजन वार्ड और गुलजन की सहमति में अप्रैल 2002 में टीम ग्रोड और सो ऑपरेस और विसन में अभिनय किया, जो कि उनके परीक्षण से प्रभावित हुई। और उन्होंने लेखन बेस्टन ड्यू और बारमोद को चित्र की एक तरह से बदलती उम्र जूलियन में सबसे उम्रदार होने का सुझाव दिया, इसलिए उन्होंने नवगुरुद सोडन मेंजन द्वारा निभाए जा सकते थे। इसके बाद सोन्स ने प्यारी और आलसिन जूलियंस और बैरन कॉपी की नाजेट बेटी फ्रोसन आयरन हेड के दिव्यांग पति लूशन वेरिन का किरदार जीता, जो एक नौकरानी के रूप में खेत एक तरह से परिवार में रहती हैं। जूलियस एक अजनबी होसन से शादी कर लेती हैं, जिसका किरदार एली जैक्सन ने निभाया है। जूलियस को दर्शकों ने खूब सराहा और अंततः सोनेस को उनके काम के लिए 3 पुरस्कार एक तरह से पुस्तक दिए गए। और निशांग लुइस एंटोनियस पिलस से एक तरह से थिएटर में अभिनय करने के लिए मुख्य रूप से निमंत्रित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में और डिटेल। 2007 और 2008 के बीच में सूर्य उपन्यास ड्यूरियंस के रस में लोमड़ी सोनेट क्रूटन और फेरेडो सेल्टन और मैग्रियन समुदाय के नेता जुलबर्ट एर्टोन और एंटोनियस फॉर्डग्रेड द्वारा अभिनीत की बेटी के रूप में रही। सबसे पहले पिता और बेटी ने एक जटिल रिश्ता बनाए रखा और तथ्य के कारण जूनवेंस को 20 साल बाद की बेटी की अस्तित्व का पता चला। हालांकि शुरुआत में मतभेद ने दोनों के बीच खुशी और आपसी स्नेह को जन्म दिया और अभिनेत्री ने 19 घंटे की रेंज में टेलीनोवो कैरियन एंड बोकास 2009 से 10 में प्यारी और भोलियन मिलियस को जाया। और अक्टूबर 2010 में क्विंस सोरन बैटरी पोर्टन का लाज पहचाना गया। नवंबर में सोरेस मेंजेंस के हस्ताक्षर के लिए अपने नाम में एक अक्षर जेड जोड़ने की घोषणा की। और 2011 में सारिस का किरदार निभाते हुए सोप ओपेन और एक्सपन ब्रिगियन ने होंग मैर और प्रेजेंट के साथ भी एक जैसे कई मूवीज में अभिनय किया। 2012 में लाडो ए लाडो में ईर्षालु बेरियंस की व्याख्या की, जो उनके परिवार का पहला खलनायक था। इसके अलावा 2012 में अभिनेताओं ने फिल्म और इन्वेंटर डी सोनेस में अभिनय किया, जो कि अभिनेत्री के करियर की पहली फिल्म थी। दोस्तों इसी के साथ टेलीविजन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, 2002 के अंदर इंस्पिरेशन और साथ ही साथ सेलिब्रेट के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। और 2004 में कोमियन उमर ऑर्डेंस 2004 के अंदर ये देखने को मिले। साथ ही साथ एमजोनियन ग्लोजेंस के अंदर भी मुख्य रूप से ये देखने को मिले। साथ ही साथ एक डेरियंस 2007 में और साथ ही साथ ड्यून्स केरियंस 2007 में और साथ ही साथ 2008 के अंदर कई एपिसोडों में देखने को मिले। साथ ही साथ 2009 में केरस और बोगलेस 2009 में और साथ ही साथ टीटीसी 2010 में एक्सपेंड बेंजियंस और लाडोस ए लाडोस में 2012 में और एलम हो जोसिन और बोमसिन में द्वारा 2019 में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं, यदि आप इस कैरेक्टर के फ़ैन हैं, तो इनकी अपकमिंग मूवीज़ भी मैंने आपको बता दी हैं कि अपकमिंग कौन सी मूवी में आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। सारी कुछ अपडेट इनके बारे में मैंने आपको बता दी। यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस
वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख पाए, और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उस पर डेफिनेटली वीडियो ला सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको इस कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल बता चुका हूँ, और अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो ये एक एक्टर के साथ डायरेक्टर भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से कैरेक्टर इवोर्ड मैस्क्रिप्ट के बारे में। इनको मुख्य रूप से ब्राज़ील में सिंगर के रूप में जाना जाता है और एक्टर भी हैं। 19 फरवरी 1952 को इनका जन्म हुआ, और अभिनेता हैं जिन्होंने रॉक बैंड और बिजेंट के मुख्य गायक और मैकलिन स्पाउंड सहित सिनेमा और टेलीविज़न में उनके विभिन्न कार्यों के लिए जाना जाता है। 2006 और 2014 के बीच श्रृंखला ए ग्राउंड फिल्म में उसमें उपलोस विल्सन हैं, और 19 फरवरी 1952 में इनका जन्म हुआ। तकरीबन 71 वर्ष इनकी उम्र है। रियन डी जेरियंस आर्जेन है, मुख्य रूप से ये एक ब्राजीलर हैं। साथ ही साथ मुख्य रूप से पेडसन ट्रेवलर्स इनकी जीवन साथी रहे 1980 में, और 9 साल बाद इन्होंने तलाक ले लिया, और इसी के बाद इन्होंने आयरिस बासमोर से शादी की, और फिर दोबारा 9 साल बाद फिर तलाक ले लिया। 9 साल के गैप के बाद इन्होंने 2 बार तलाक ले लिया, और इसी से ही 2 बार तलाक से ही 2 बच्चे पैदा हुए। मुख्य रूप से ये एक सिंगर है और म्यूजिशियन है, अभिनेता है और गिटारिस्ट है, गोसिन है और गिटारर। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके जीवन के बारे में, इनकी स्ट्रगल के बारे में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। लेबनानी के वंशज, उन्होंने कोलजिन स्टाफ आर्डन और मेरेस में अभिनय किया और 3 वर्ष तक शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया। जब उन्होंने 1970 के दशक में थिएटर समूह एरडूब और टोक्सन को ट्रैमोर में काम करना शुरू किया, बाद में उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश के नेता गायक और रूपी में बड़े सफलता मिली, जो उस वर्ष के समय में सबसे लोकप्रिय रॉक बैंड में से एक था, और गायक और संगीतकार थे। उन्होंने 1986 के आसपास अपनी पहली रचना के अंत के बाद संगीत और अभिनेताओं के लिए रूप में काम करते हुए एक करियर बनाया। साथ ही साथ उन्होंने इरवॉर्ड प्लैनिस एरियन और प्रोविजन नॉलेज और एल्मिज सेक्विल्स और डोस एम्बर्ड और एनमिस एल्बम जारी किया। उनके एकल करियर की सफलता बॉर्बिन हार्विन से थी। उन्होंने सोप ओवर और फिल्म में भाग लिया, आमतौर पर एक विशिष्ट कैरियंस की भूमिका निभाई। सफर स्मार्ट आकर्षण चुबलिस और दृष्टिन वह वर्तमान में फिल्म नाटकों और रिकॉर्ड्स के बीच निर्माता निशांग पटकथा लेखन के रूप में काम करते हैं। उन्होंने रेड गोल्डन्स पर मुख्य एगोन कैलियंस में पाउनोस और द रेमलोस के किरदार में काफ़ी प्रसिद्धि मिली। 2008 में एक पुस्तक किस्टन टूरड जारी करने के अलावा मैस्टिन ने ब्रिटेन का नेतृत्व करने के लिए वापसी की, जिसने अगस्त 2007 में पहली डीवीडी रीड और एवन विरोध जारी की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हम इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं, तो आप हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए। साथ ही साथ इनके बारे में मैं आपको और डिटेल आपको बताता हूँ और सारी कुछ जानकारी आपको देने वाला हूँ। इन्हें रेड गोल्बन का संकला ए ग्रोटन फ्लेमिस और क्लाउन दारोगन के किरदार में काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। 2008 में एक पुस्तक एस्टिन टूड जारी करने के अलावा मैस्टिन ने लिबर्ट का नेतृत्व करने के लिए वापसी की है, जिसमें अगस्त 2007 में अपनी पहली डीवीडी डेब्यूट एरो वी आई ए कोरियन जारी की, जिसमें 2006 के अंत में कोन क्राउ और रियोन जी रिकॉर्ड किया गया था। साथ ही साथ दामा घरातन और इवेंट सोलगन और पॉर्डन ब्रू की विशेष उपस्थिति है। 2010 में ब्रिस्टिन्स ने नए गाने के साथ एक एल्बम स्क्यूड ब्यूटी जारी किया, जिसमें अन्य और स्थापित गानों के साथ बेड की दूसरी डेब्यू भी बनाई। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो 1985 में असीमन प्रेम और 1986 में घोटाला और भी कई मूवीज में देखने को मिले हैं, और बैक टू बैक कई सुपरहिट मूवी ये भी दे चुके हैं। दोस्तों अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत नामी हैं और बहुत पुराने भी हैं। उनके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ।
पाओ एडब्रुट होलबी डी विलहेन मार्विस, इनका पूरा नाम है। 3 जनवरी 1980 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ीलियाई अभिनेता है और प्रस्तुतकर्ता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में टेलीविजन श्रृंखला सेडली एंड जूनियर से की और उसकी शादी अभिनेता थीनस आयन से हुई थी। मुख्य रूप से पाउल डेब्रुट और विंस डी प्लेस मॉरिस इनका नाम है। 3 जनवरी 1960 को इनका जन्म हुआ था और मुख्य रूप से ब्राज़ील के ये रहने वाले हैं। मुख्य रूप से एक अभिनेता है और साथ ही साथ 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इन्होंने 2009 से 2014 तक थियोन सैन से शादी की और तलाक ले लिया। फिल्मोग्राफी सैडी और जूनियर 1988 से 2001 के बीच में आपको टीवी शोज में देखने को मिले, वीडियो शो 2000 से लेकर 2002 तक। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई जगह देखने को मिले 2004 में और टूर द सीटेड पार्ट इन 2004 में और साथ ही साथ द अमोनियन लाइसेंस 2021 में और भी कई जगह ये देखने को मिले हैं। इनके बारे में मैंने आपको फटाफट से डिटेल बता दी है और अब हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो मीहम एवा क्रोड्स। 6 दिसंबर 1971 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ीलियन अभिनेता है। मुख्य रूप से मीहेल एवा क्रोड्स इनका नाम है और 6 दिसंबर 1971 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 51 साल इनका उम्र है और ब्राज़ील के ये रहने वाले हैं। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1983 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जियोन बिसोल एम 1999 के अंदर इनके जीवन साथी हैं और इनके एक बच्चा भी है। कोटेन की पहली भूमिका 2000 की फिल्म मेटर E2 में आई जो डोरियन और पेडन द्वारा लिखी गई, जहां उन्होंने एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाई। 2002 में उन्होंने रेड ग्लोब की सफल टेलीविजन डिशंस डी मुरहन में एक छोटे किरदार के साथ टेलीविज़न का प्रीमियम किया और अगले वर्ष उन्होंने इसी नाम की जेल पर हुई नरसंहार के बारे में समीक्षाओं द्वारा प्रशंसित एक्टर ब्लोकन की फिल्म कैटरीन ड्यून में अभिनय करने के बाद कुछ बदमाशी एक तरह से हासिल करना शुरू कर दिया। 2005 में कोटन ने रेड रिकॉर्ड्स के टेलीवॉन्स एम्सन मोहल्स में अभिनय किया और विवादस्पद स्वतंत्रता फिल्म में कोसप्लोज में अभिनय किया जिसमें वे कई बार पूरी तरह से नग्न दिखाई दिए और अगले वर्ष उन्होंने रिकॉर्ड के सफल टेनियो सीजन्स और भूषण में अमेरिकन ब्राज़ील फिल्म जेनी टू द एंड ऑफ नाइट में अभिनय किया। जोसफ पार्डी की 2007 की फिल्म एलटी स्क्वाड और जिसमें उन्होंने एक गृहस्थ पुलिस अधिकारी का किरदार निभाया और तब ऐसा नहीं था कि उनके प्रमुख जनता की बदनामी मिली। 2009 में उन्होंने रिकॉर्ड में चमास द विल्स में केजेंस के रूप में अभिनय किया और फैबियन बोरेंस और लुइस ओ हिलन्स और डोरियन बासन में ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इंसोंस लू द सिलेंस के मृत पिता की भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी भी ठीक ठाक थी इनकी और इसी के बाद हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में और जान लेते हैं। टोटल इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर थे उनके बारे में पूरी डिटेल कवर हो जाएगी और इनके बारे में फटाफट से जान लेते हैं जिनका नाम है राफेल लोगाम। तो दोस्तों इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 2 घंटा प्लस टोटल लेंथ बताई गई है इस मूवी की और आईएमबी रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से 5.4 की ठीक ठाक रेटिंग इसकी दी गई है और साथ ही साथ फिल्म फॉर्टिंग की रेटिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी जो रेटिंग है वो 5 में से 3 की यानी 5 of 3। जी हाँ दोस्तों इसकी रेटिंग एक तरह से आधे से ज़्यादा स्तर पर यानी ठीक ठाक लोगों द्वारा इसे पसंद किया गया है। लैंग्वेज की बात की जाए तो इसे इंग्लिश के अंदर इसे बनाया गया है और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। नेटफ्लिक्स पर इसे ज़्यादा लैंग्वेजों में डब नहीं किया गया है। आप चेकआउट कर सकते हो अपनी कंट्री के हिसाब से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। यदि आपने उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं उसका भी लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। 60 से लगभग 40% का डिस्काउंट आपको ज़रूर से मिल जाएगा।
दोस्तों अब हम इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में और डिटेल है जो मैं आपको बताता हूँ। राफेल लोगाम का जन्म 5 जनवरी 1956 को हुआ और एक ब्राज़ील अभिनेता हैं। उन्हें एमिरोस श्रृंखला में इवोड डो डेटन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है और इसी भूमिकाओं के लिए उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक घरेलू नौकर और एक सार्वजनिक सेवक के बेटे लोगाम का जन्म 5 जनवरी 1956 को रियोन डी जेरेस में हुआ। उन्होंने एक अलग कलात्मक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन उन्हें 12 साल की उम्र में थिएटर में अपना करियर शुरू करना था और आशा दा में शामिल हो गए। 2000 के दशक की शुरुआत में बोयोंस और उन्होंने अपने थिएटर किरदार की शुरुआत 14 साल की उम्र में ल्यूशियन ट्रेन से की। 2004 में उन्होंने लूशन ओर्थन त्रे द्वारा बेंजियन बनाए बोकन निर्माण में भाग लिया और इसी के साथ 2012 में उन्होंने महकुन एक प्रेमी कहानी और नाटक के अंदर उनके प्रदर्शन के लिए जेल्फिन सॉर्बन पुरस्कार के विजेता अभिनेताओं के रूप में नामांकन किया गया और लूशन कोहेन द्वारा अभिनेता उनके फिल्म करियर में 2006 में कोलगन क्रेमेट की फिल्म इमरान वेब द रिटर्न शामिल है। 2007 में बोयोन बोर्टेन द्वारा अंतिम पड़ाव 1975 और बेरन ऑन द रेड अर्थ और जेनिफरस द्वारा निशांग 2012 में ब्राज़ील स्पेन से उत्पादन इसी तरह की जीना जीत क्रोध है जूलियस रेडियंस द्वारा डोराइड और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ उन्होंने एरेगन ड्यू जोर और साथ ही साथ उप श्रृंखला के फिल्म और कलाकारों में भी भाग लिया। रिकॉर्ड में ब्रेकटोन डे और फैमिली जी एन टी से 2020 में उन्होंने M8 और ब्लिस डे हैम्पस लाइव में अभिनय किया और जेफर्स जी द्वारा जहां उन्होंने शीर्षक चित्रण निभाया और मेडियन सामकन में एनाटोम्स कक्षा के एक निकाय और बात के लिए वह सेक्शन सर्वश्रेष्ठ फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय अभिनेताओं के पुरस्कार के लिए नामांकन किए। 2018 में वे इमरोस के कलाकारों में नायक रिवेड में टूरिस्ट के रूप में शामिल हुए जो कि रियोन्स के एक फ्रेवन का एक युवा है जो कि ब्राज़ील में सबसे बड़े ट्रैक्स तस्करों में से एक बन जाता है और ऐसी भूमिका जिसमें उन्होंने 2 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन के साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2019 से 2020 तक उन्होंने मेन श्रृंखला के सह नायक पेडियंस की भूमिका निभाई और फ्रेबन फोर्चन द्वारा निर्मित कॉमेडी सैटन ब्रासन चैनल द्वारा निर्मित 2020 में उन्होंने फ्रेबन के रू आमोर डी माय में भाग लिया और एक शिक्षक जिसमें हैमरिड और डेनिन चाय स्टूडेंट्स के साथ रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया लेकिन अंततः समलैंगिक के रूप में सामने आए और क्रिस्टन सुजन द्वारा निर्देशित फीचर में मिल आर्मट और ओन मर्ड का रिकॉर्ड खत्म करने के बाद मॉर्गन ने एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जिसकी ग्रैमोड में एक सराय है और तब वह अंत में उस जगह का नवीनीकरण करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसे सराय और एक मृतक विदेशी जोड़ा मिलता है। राफेल ने निशांग के एक और फिल्म ओ फैक्शन पीरियड में अभिनय किया और फोर्ड एंड टेरन की सच्ची कहानी जो कि इतिहास के सबसे महान जियन जासून सोनियन में से एक की सच्ची कहानी पर आधारित थी और शो में इसमें कॉमेडी श्रृंखला नार्डन स्पीड की पहली फिल्म थी और रोडिन डानियस का किरदार निभा रहे थे जो कि एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं और अपनी कंपनी का अध्यक्ष बनने में सफलता देखते हैं। एक हत्या होती है और एक हर कोई संदीप बन जाता है जिसमें वह भी शामिल थे। वह एक फिल्म एक्शन चार्ज में अभिनय करना हेमरोड पोर्टन द्वारा डेलियंस की भूमिका निभाते हुए और एक पूर्व फॉर्मर ट्रक और ड्राइवर को जो कि टीम को आर्थिक रूप से बचाने के लिए कोर्गन चोरी योजना में शामिल होने के लिए राजन होते हैं। दोनों ने नेटफ्लिक्स के लिए काम करते हुए 2022 में उन्होंने अपने 4th सीजन में सीरीज एम्प्रोड रिकॉर्ड्स से शुरू किए। इसमें सीजन द ग्राउंड और चैड एंचर्ड सीन रिकॉर्ड के साथ जोड़कर अन्य चित्रण एक वास्तविक चित्रण एक जेली अधिकारी से प्रेरित है। श्रृंखला ए प्रोजेक्ट के संपूर्ण पक्षपथ को दिखाई गई जो कि एक राज्य का मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गुटों के उद्धव का अनुसरण करता है। नाटक श्रृंखला द एरवर्ट एंड प्रोटेंडो एफ्रोड होरन स्पेशल द स्टीम ऑफ मिस्टिन में भाग लेते हुए
और थिएटर में यह नाटक ग्रोसिन मैथ में लार्जो रोमस और तालियन ड्यूटेन द्वारा निर्देशित है। यह एक कहानी है, चार बेरोजगार एक जैसे अधिकारी अपने सपनों की नौकरी पाने के लिए कितनी दूर तक जाने में सक्षम हैं। उन अपने कलात्मक करियर के अलावा लोकम 2014 से एक कोपिन फेरन मैन में रहे हैं। इस तथ्य के कारण उन्होंने लगातार विदेशी यात्रा करनी पड़ी। वह 2019 से अभिनेता कार्लो वोर्फन और डे पर रहते हैं और सोफेन के पिता है जो कि पिछले रिश्ते का निर्माण है। साथ ही साथ दोस्तों फिल्मोग्राफी इनकी बहुत ही बेहतरीन है। फिल्मोग्राफी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। 2009 के अंदर लो एंड क्राइम में आपको देखने को मिले, टास्क फोर्स 2010 में और ओपन बार में 2010 में और पापे पीओपू 2013 में और साथ ही साथ फैमिली थिंग्स 2014 में और द एक तरह से गेम रूल्स के अंदर 2015 में देखने को मिले और द वेल्टेंस वॉरियर्स 2016 में और साथ ही साथ आई थिंक बुलिसन और साथ ही साथ अनसेटिस्फाई के अंदर आपको 2018 से अभी तक देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैन के अंदर 2019 से 20 में आपको देखने को मिले, द मदर लव्स के अंदर आपको देखने को मिले और साथ ही साथ इसी के साथ समथिंग द स्टीन बोर्ड में 2022 में और अदर्स पीपल्स में आपको देखने को मिले और एक तरह से ही प्ले द एक तरह से स्टोरियल बैट 2024 में आपको देखने को मिलेगी स्टोन एजेंट के रूप में। साथ ही साथ फिल्म रोमांस में भी आपको कई जगह देखने को मिले। साथ ही साथ इनकी इस इंडस्ट्री में भूमिका बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों इसी के साथ यदि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके और एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे। और अब हम जानेंगे बॉम सुसोंस के बारे में जिसके अंदर ये इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं सब सेम देखने को मिले हैं, इसलिए उसे भी हम कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल बने हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं एक तरह से इस मूवी के बारे में और भी कई डिटेल, तो वीडियो को लाइक करते हुए हम जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल बताऊंगा। जैसा कि हम बॉम सुसोंस के नाम बारे में हम जान रहे थे, सक्सेस जिसे बोल रहा है एक तरह से बॉम सक्सेस के नाम से भी इसे जाना जाता है, एक ब्राज़ीली टेलीफोन्स जिसका निर्माण है एक तरह से प्रसारण ग्लोबल द्वारा किया गया है। मुख्य रूप से ये आपको 29 जुलाई को देखने को मिली थी 2019 को और वेरोज 19 की जगह और 24 जनवरी 2020 को समाप्त हुई। इसकी जगह सेल्वन से और गुटनबुर्ग से ले ली। मुख्य रूप से इन्हें जाना जाता है जीना लायक जीवन से और साथ ही साथ बनाई गई है रोजन स्वार्टमैन पाउन हाउस द्वारा, उसे लिखा गया है चार्ल्स प्रिक्सोट और कॉर्लिंग सार्डियंस और फैब्रिस सेडियंस और फेल्बी क्रेबन और स्लोन एल्विन द्वारा। इसका डायरेक्शन किया है लुइस हैरी रियोस ने। साथ ही साथ इसमें अभिनेता ग्राजी मास्प्रे एंड्रो फूडेंस रोमेन स्टोर डेविन जूनियर इंग्रेन ब्राइजोन पेबली नेवन सोरन मैंचन जोवन प्लोजन और लुइस भारती हिलोर और राफेन डिफेन और आर्था सेल्फर। साथ ही साथ आपको हेल्डेस फोर्डिस और फ्लूड ग्रोड और भी कई अभिनेता देखने को मिले हैं। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक कार्टोस ने दिया है और टेरन क्रिस्टिन और जेकन प्रेडिन द्वारा ओल्सन द्वारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ब्राज़ील मुख्य रूप से इसका कंट्री है और मुख्य रूप से पुतिल गिल द्वारा इसकी भाषा की गई है। और एपिसोडों की बात की जाए तो 155 एपिसोड और 120 अंतर्राष्ट्रीय संस्करण आपको इसके देखने को मिल चुके हैं। प्रोडक्शन इसका नियोन डी जूनियर ब्राज़ील में हुआ और साथ ही साथ इसके अंदर कई अभिनेता आपको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ
मल्टी कैमरा द्वारा सेटअप द्वारा इसे शूट किया गया है। 50 मिनट इसके कुल टोटल लेंथ हैं। ग्लोबल इसका मूल नेटवर्क है। 29 जुलाई 2019 से लेकर 2 जनवरी 2020 तक इसे बनाया गया। इसमें ग्राजिन मैसफ्रेज, रोमन स्टोन, डेविन जूनियर, एंट्रो फ्रोगन और इगिन जुराइड और फ्लेवी नोशन और आर्मिन ब्रॉन्ड और सोरन मेलसन मुख्य भूमिकाओं में हैं। पालोग ग्राजी सैमरोस एक दर्जी हैं जिसमें अपने 3 बच्चों को अकेला पाला है। और एलियन ब्रुज, इसोन ग्रोविन को पीटर जूंस और पालो सामबन स्कूल यूनिडोज और डी बॉम सेमस और पोसावर बनाती हैं। उसकी दुनिया उस उलट पुलट हो जाती है जब उसे गलत परीक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं तो पुष्टि करते हैं कि उसके पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं जिससे उसे हम सब कुछ करना पड़ता है जिसे करने की कभी हिम्मत नहीं थी। जिसमें वह एक अजनबी मारकोन के साथ सोना भी शामिल है जो कि गिर जाता है और उसे प्यार में और यह पता चलने पर कि उसे गलत परीक्षण परिणाम प्राप्त हुआ है तो पुलिस ने उस व्यक्ति से मिलने का फैसला किया जिसके पास जीने के लिए कुछ महीने हैं। और उसकी मुलाकात एल्बर्ट एनिस फ्रूगस से हुई, एक करोड़पति जिसने कभी अपने परिवार को महत्व नहीं दिया। विभिन्न व्यक्तियों के बजाय दोनों एक दोस्ती वे एक तरह से करना चाहते थे। उन्होंने खोजने की यात्रा पर ले जाते हैं वे कि किताबों के माध्यम से वह जीवन के आनंद और निंद के भावनाओं के माध्यम से जिसमें वेरा एल्डन वीरेंस और साथ ही अतीत के प्यार को फिर से जीना शामिल है। और प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो टेलीनोस को चुडवांस की डी रोवन शीर्षक के साथ अनुमोदित किया गया था। फिर जुलाई 2018 में इसका शीर्षक बदलकर बॉम सेमस कर दिया जो उस पड़ोस के संदर्भ में था जहां असोजन होती है। फरवरी 2019 में शीर्षक को एक बार फिर से बदलकर डो से डेलोस कर दिया गया। हालांकि बाद में शीर्षक को बॉम सुसन में वापस कर दिया गया। मार्च 2019 में गैलबोट ने टेलविन के दर्शकों को फिल्म के माध्यम से सैरबोट क्रूटन और डी ब्रोटन और साबन स्कूल परेड का लाभ उठाया। फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर 6 मई 2019 को शुरुआत हुआ और जनवरी 2020 को समाप्त हुआ। म्यूजिक की बात की जाए तो लगभग टोटल सीरीज के अंदर 42.4 मिनट के टोटल इसके अंदर ट्रैक बनाए गए हैं। और बोशन सेन टेलीविजन का पहला साउंड ट्रैक 18 अक्टूबर 2019 को सोना लिवस पर रिलीज किया गया था। साथ ही साथ इसी के साथ वॉल्यूम 2-3 में भी कई एक तरह से देखने को मिले थे और एपिसोड सोमवार से शनिवार 7:30 बजे आपको देखने को मिले थे इसके। और वेरोन 19 की उच्चतम रेटिंग प्राप्त हुई है और बोस वुमन ने 31.5 अंक के साथ शुरुआत की है जिसमें यह चियास डी चोलंस के बाद पहले अध्ययन का दूसरा सबसे बड़ा दर्शक वर्ग बन गया है। दूसरे अध्ययन ने उच्च रेटिंग बनाई रखी है और 72 अंक दर्ज किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ अपडेट डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस रेसिंग मूवी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको देखने को मिली है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको चैनल एक तरह से पसंद आ रहा है, चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जहाँ तक हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे देख सके। और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको और भी किसी सीरीज़ या मूवी पर अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों अब हम इस एक तरह से मूवी के बारे में आपको सारी डिटेल बता चुके हैं और अब हम कास्ट के बारे में जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज हम इस वीडियो को हम एक तरह से पूरी अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं सारे कुछ डिटेल। और हम एक तरह से कैरेक्टर के बारे में जान रहे हैं जिनका नाम है गाजी ली। जी हाँ दोस्तों, सोरियस मैसफोल्स इनका पूरा नाम है, गार्जी इन्हें एक तरह से नाम से जाना जाता है। 28 जून 1982 को इनका जन्म हुआ था। एक ब्राज़ील अभिनेत्री हैं और एक पुरानी मॉडल है, यानी पूर्व पहले रह चुकी है, अब ये मॉडलिंग का जो काम है वो नहीं करती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में सारी कुछ डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रीजिन रोज इनका नाम है
और 28 जून 1982 को, जैसा कि मैंने बताया, इनका जन्म हुआ। 41 साल इनकी उम्र है। जैक्रूस फ्रांस ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2005 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। साथ ही साथ 2007 से 2013 तक ये काउन रेबन से शादी करते हुए नजर आई और फिर तलाक ले लिया, और क्रिश्चियन मार्शन से 2019 में शादी की, 2021 में तलाक ले लिया। इनके एक बच्चा भी है। 2004 में मास फ्रीस ने मिशन पारस ब्यूटीन प्रोजेक्ट और प्रतियोगिता जीती और उसी वर्ष की मिशन ब्राज़ील प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। वह 3 स्थान पर एक तरह से रही, जिसमें उन्होंने मिस ब्राटिन इंटरनेशनल का खिताब मिला और उन्होंने चीन में प्रतिभा योजनाओं व होने वाली मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में प्रवेश किया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मास्प्रो से मिस तक नहीं पहुंच पाई। 2016 में उन्होंने टेलीपोज ग्रेट एंड क्रिश्चियन में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीता। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको और भी कई डिटेल बताता हूँ। 2005 में उन्होंने रिलिट सो बिग ब्रेजन और ब्राज़ील के संस्करण के 5 सीजन में भाग लिया, जिसे बिग ब्रेजन और ब्राज़ील बीबीसी के नाम से जाना जाता है। यह सीजन अब तक का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीजन था और ग्राजिन का 40% वोटों के साथ दूसरा स्थान रहा। साथ ही साथ ग्राजिन सेलिब्रेटर बनने वाली दूसरी और बिग ब्रेज प्रतियोगिता में एक तरह से शो के बाद वे प्रतिकारों के लिए कवर पर आ गई और व्यावसायिक सौदे के लिए और कार्यक्रमों में दिखाई दी, और अगली बिग ब्रदर्स शुरू होने के बाद भी वाणिज्य सौदे और पत्रिका कवर चित्रण जारी रहे। शो के ठीक बाद ग्राजिन ने ब्राज़ील के सबसे शक्तिशाली टेलीविजन चैनल। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको बहुत सारी कुछ जानकारी दे रहा हूँ। गार्जियन सेलिब्रेट बनने वाली दूसरी बिग ब्रदर्स प्रतियोगिता बनी। पहले सेबरिन सातो थे, शो के बाद वह पत्रकारों के कवर पर आ गई और कई व्यावसायिक सौदों के लिए और कर्मचारियों में दिखाई दी, और अगले बिग ब्रदर शुरुआत होने के बाद भी वाणिज्य सौदे और पत्रिका कवर चित्रण जारी रहे। शो के ठीक बाद ग्राजिन ने ब्राज़ील के सबसे शक्तिशाली टीवी चैनल ग्लोबस के साथ 1 साल का अनुभव किया और दशकों के बीच उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए उन्हें क्लूडन डो और हक पर एक रिपोर्ट के रूप में एक स्टॉल दिया गया और उनके लिए जुक्सन की शैली पर बच्चों के शो और होस्ट बनने की योजना बनाई गई। उन्होंने अगस्त 2005 के अंक में ब्राज़ील फ्लैबोस के लिए एक तरह से तस्वीरें खिंचवाई और ग्राजिन व्यसन में पोज देने के लिए उनके सबसे अधिक भुगतान वाले सितारों में से एक थे। 2005 में सबसे अधिक एक तरह से बिकने वाला कवर यही था इनका, और उन्होंने ग्लोबल अभिनय विभाग में अभिनय कक्षा शुरू की। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको और जानकारी देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन्होंने ग्लोबल अभिनय विभाग अभिनय कक्षा शुरू की। उनकी पहली एक तरह से भूमिका रेडियन ब्रोड 2005 की फिल्म द्रिजन और क्रोडन और डीन एन वोस में थी। 2006 की शुरुआत में पता चला कि मास्प्रोर को एनलोस ग्लोबस के अगले धारावाही में एक हिस्सा मिलेगा, जो एक महत्वपूर्ण सौदा था क्योंकि उनके धारावाही आमतौर पर देश में सबसे अधिक ज़्यादा देखने जाने वाले शो थे। प्रारंभ में रेड ग्लोबन सोप एवर और ओपनेस द वीडियंस में उनकी केवल एक छोटी सी भूमिका थी, जो अपने प्रसारण के दौरान रिकॉर्ड रेस्टिंग हिस्सा करते हुए ब्राज़ील टेलीविजन पर 1 शो था। हालांकि उनकी लोकप्रियता के कारण उनके हिस्सों का विस्तार किया गया और अंततः ही अब साबुन के मुख्य पात्रों में एक नाम बन गया, जिसके अभिनय और प्रेस की जनता में सामान्य रूप से सराहना, और वे देश की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक बन गई। वह अपने जीवन में उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवग्रोथ के रूप में प्रमोदित और क्वेश्चन और वर्ष के व्यक्तिगत के रूप में प्रेमियन डी प्रेजेंट पुरस्कार मिला। फॉर्मो पत्रिका का उनका मई 2007 का कवर 2005 के साथ उन 134वां कवर था। उन्होंने 2007 में किंड्रोस रोवन रिबोन्स के सबसे अधिक प्रतिभाशाली स्कूलों में से एक में परेड में भाग लिया और स्टन में उन्होंने द फिशन ऑफ क्रास्ट के नाटकीय संस्करण में मारियन की भूमिका निभाई। इसके तुरंत बाद मास्प्रो ने पुतघात का दौरा किया। वह पोंजियन द ब्रेडन में अपनी भूमिका और विज्ञानों की शूटिंग के कारण बहुत ही लोकप्रिय थी।
2007 से 8 तक पोषण ने धारावाहिक डिजन प्राइवेट में अभिनय किया। 2008 में उन्होंने कोपाव क्लब्स और पुलुसन कोनिन की रानी का ताज पहनाया गया। 2008 में उन्होंने एक धारावाहिक नोग्रेस द चाइल्ड्स में पहली बार मुख्य भूमिका दी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये आपको कई मूवीज़ में देखने को मिले, बिग बॉदर ब्रेशी 5 और प्रेगनेंस डे ब्रिटेड 2006, साथ ही साथ फ्लोर डूप के कैबरिन्स में और टेवरेस 2022 में। अवार्ड्स की बात की जाए तो मेलहोर्स ऑनर क्रिस अवार्ड और कई भी अवार्ड इन्होंने जीते। ट्रोफन इनफ्रेस अवार्ड 2017 अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों अब हम अगले कैरेक्टर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, एंटोनियस फंगडूसेस। जी हाँ दोस्तों, एंटोनियस जूस द सिल्वा फ्रोडिन फिलोस है इनका नाम। 18 अप्रैल 1950 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेता है, नाटककार है, आवाज़ अभिनेता है और निर्माता है। मंच, फिल्म और टेलीविज़न में अपनी कई प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध हुए, जहां वे अक्सर टेलीविज़न में काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से 18 अप्रैल 1950 को इनका जन्म हुआ। लगभग 74 वर्ष इनकी उम्र है, ब्राज़ील में हुआ। अभिनेता है, नाटककार है और स्वर अभिनेता और निर्माता है। 1965 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन्होंने 3 बार शादी की है अपने करियर के अंदर। क्रूलिस आबजू महाराज से 1973 से 1988 तक और मार्क वॉलन से 1988 से 2000 तक। और इसी के बाद 2016 में इन्होंने एल जेंडा मार्टिन से शादी की। टोटल मिलाकर इनके 4 बच्चे हैं और फ्रंगडियंस का जन्म रियो डी जोरियन शहर में हुआ। और लेकिन 8 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के साथ साओ पॉलो चले गए और 30 वर्ष से अधिक समय में वह रहे। उन्होंने थिएटर के लिए अपने उपहार की योजना रिकॉन ब्रे स्कूल में की और एक मंच के नाटकों में सेट की, जहां उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने 1980 में टीवी ट्यून के सोप ओवरन और न्यूज होमर एड्रेस टेलीविज़न पर डेब्यू किया और फ्यूसन की शुरुआत 1975 में रेड ग्लोबन पर और टेलीविज़न सरमांदी पर हुई। उन्होंने 1980 से 1981 और 2003 से 2007 तक कई वर्षों तक कारगिल पोर्ट श्रृंखला के नायक के रूप में भूमिका मिली। अभिनेताओं के 4 बच्चों में एक ब्रूनल फ्रोडेंस और उनकी पूर्व पत्नी मारा फोर्नस के अन्य साथ 3 दीनन हैं। उन्होंने 15 साल की शादी का फ्लिक्स प्रोजन किया। और साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनकी फिल्मोग्राफी भी बहुत है, इनके बारे में मैं आपको इतनी ही डिटेल बता पाऊँगा क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फटाफट से सारे कैरेक्टर के बारे में हम जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे इगिट गुलमायरिस के बारे में। ये एक एक्टर है, एक्ट्रेस हैं और रोडिंडा सिल्डस गोरमेस इनका नाम है। 5 जुलाई 1972 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेत्री है, हास्य कलाकार है, टेलीविज़न प्रस्तोत है और इंडियंस द सिलेस क्रोजेंस इनका नाम है। 5 जुलाई 1972 को इनका जन्म हुआ। 51 साल इनकी उम्र है। कोलियंस क्रोजन ब्राज़ील में हुआ। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1993 में ये आपको कई मूवीज़ में देखने को मिली, जैसा कि मुरहेस डी आरियस में, 1996 में चीगो टोल्टेंस और साथ ही साथ 2001 में साइड डे बैक्सोंस में। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली। मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दें। फैबुलस नोस्टो, जी हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 1988 को उनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेत्री हैं और कुटिंस में जन्मी हैं। उनकी पहली प्रमुख भूमिका है एस्टोमोग में थी, जबकि उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका टीवी गोरबन के टेनलॉस में थी और एब्सिन ब्राज़ील के साथ आई थी। साथ ही साथ 18 अगस्त 1958 को इनका एक तरह से जन्म हुआ था। 45 साल इनकी उम्र है। क्यूर्बिस पारस ब्राज़ील में हुआ और मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं। 1986 में इनका जन्म हुआ और वर्तमान तक ये इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने शादी की 2001 में एलक्रोट नीरो से
और 2011 में तलाक ले लिया। इनकी फिल्मोग्राफी 2008 में क्रूसस ई मास्कोन और लुइस थी, साथ ही साथ बोस सैमसेंस और भी कई मूवीज़ में देखने को मिली, और इनके बारे में मैंने आपको सारी कुछ अपडेट बता दी है। दोस्तों अब हम जानेंगे जोनस बेलोच के बारे में। 8 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेता है और एक सुपरस्टार के रूप में अपनी टेलीविज़न भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और अधिकतर ये विलन के रोल में देखने को मिलते हैं। अभिनेत्री डोबो बोलेस के पिता है। मुख्य रूप से 8 फरवरी 1940 को इनका जन्म हुआ और 95 साल इनकी उम्र है। बेलो हॉर्टोंस और ब्राज़ील में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है और 1958 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। डोबर बालजोस इनके बच्चे का नाम है और बिग बॉस 1984 में इन्होंने सबसे पहली अपनी भूमिका निभाई। 1995 में एवेट और इसी के साथ बैक टू बैक कई मूवीज में देखने को मिले। आखिरी में विक्टोरियस 2014 में देखने को मिले थे। अब दोस्तों हम हमारे अगले करेक्टर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है हेलेना फोर्नडिस। हेलेना मारियो फेरस फोर्नडिस इनका नाम है। 19 अक्टूबर 1955 को इनका जन्म हुआ। एक ब्राज़ील अभिनेत्री है। तो इनके बारे में हम जानकारी आपको बताते हैं। हेलेना मारियो फेरस इनका फोर्नडिस पूरा इनका नाम है और साथ ही साथ 19 अक्टूबर 1965 को इनका जन्म हुआ था। तकरीबन 55 साल इनकी उम्र है। रियो डी जूनियर ब्राज़ील में हुआ। साथ ही साथ इन ये एक अभिनेत्री हैं। 1995 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। जोसा एलवरी जूनियर ये एक तरह से 1988 में इनके जीवन साथी थे जिनसे इन्होंने शादी की और ये जोड़ी अभी तक निभ रही है। 3 इनके बच्चे हो चुके हैं। फोर्नडिस ने ब्राज़ील की टेलीविजन के कई पात्रों के लिए एक मॉडल्स के रूप में अपना चेहरा एक तरह से नौछावर किया और अपना नाम बनाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कूलसन कॉल्बेट के सोप ऑपरेस और क्लिस ब्रोडन में एक छोटी भूमिकाओं से की। हालांकि सफलता थोड़ी देर बाद सोप और क्लिस में ए वॉल्क में मिली और इवरा रिबोर्ड द्वारा, जहां उन्होंने कड़वी एक तरह से नदियों की भूमिका निभाई और अभिनेत्री की उच्च प्रोफाइल के कारण उन्होंने काला टोडसन श्रृंखलाओं में टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने मुख्य प्रतिद्वंदी सिल्वास को जीवन दान दिया। खलनायक की भूमिका निभाने के बाद जैसे कि 2005 में सियोन डो पिकोस एम्ब्रोस और केलियन डी प्रोडक्शन में उल्लेखनीय किया गया ने इपनोड डी रीसन सो ए डारियन के चित्रण को कॉमेडी में चित्रित करने का मौका दिया और ये खरीददार इतना सफल रहा कि केमियो किरदार तय हो गया और डायरिस के अगर अंत के साथ 2007 में उसी वर्ष महाकालवंश में एक केमियो किया। 2008 में लेखन द्वारा आमंत्रित एडिन माल्ट्रिन और ब्लेजिन पुरन के कलाकारों में शामिल हो गए, जहां वह एक पत्रकार मौसन के साथ रहती हैं जिन्होंने एल्टन कोलियस और सोरस रिवोंस और रेडियल फोर्निस के पात्रों के साथ एक पंचकोणियन प्रेम स्थापित किया। इसके अलावा 2008 में फाफा सुनियन सीशोन के एपिसोड की एक श्रृंखला में भाग लिया। 2009 में कोलियन बेरेंट की मार्शन में सामने देखने को मिले और मेलकोन्स के कलाकारों में वापस चले गए इस बार। साथ ही साथ इनकी सारी कुछ डिटेल मैं आपको बता ही चुका हूँ और जहाँ तक हो सके कि मैं पूरी की पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी कुछ चीज़ एक तरह से छूट जाती हैं या हम भूल जाते हैं तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दोस्तों इसके अलावा 2008 में फाफा स्विन हिस्टोन्स के एपिसोडों की श्रृंखला में भाग लिया। 2009 में गोलियन बैटन और मारियन मीयस द्वारा आमंत्रित एलमोन के कलाकारों में वापस चले गए और इस बार उन्होंने दूसरी बार निभाई गई भूमिकाओं की तुलना में पूरी तरह से अलग भूमिका निभाई। 2007 में स्टेन विशियन और स्कॉलेंज की साखे की बुनर इसमें भूमिका निभाई। 2009 के सीजन के अंत के साथ मेलक्रूस और ग्रूबन तत्कालीन उपन्यास नाइन होड्स और टेम्पर्ड मॉडर्न पर चढ़ने के लिए
आए जिसमें उन्होंने ल्यूंस की भूमिका निभाई, लेकिन ऐसी भागीदारी यूं ही नहीं थी क्योंकि ना तो चित्रण और ना ही किसी अभिनेताओं का कथन में प्रवेश किया था। 2011 में स्टोन कोरेन को गिलबर्ट ब्राग और रिकॉर्ड लिंसन द्वारा कास्ट किया गया। फिल्म में यू प्रोस वोके और एडियन फिल्म और फिल्म में इनबोर्ड में डॉर्बिन में भाग लिया और टीम बर्टन द्वारा निर्माता एलियस इन वांडेड के डब संस्करण के लिए डेलोड द्वारा विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उन्होंने निर्देशक जोस एल्गोस जूनियर से शादी की और उनकी माँ यानी स्टोन लुक हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1994 में क्यूरू पोरो क्यूमस आपको देखने को मिली इनकी, और इसी के साथ बॉम सक्सेस में 2019 में जिसके बारे में हम जान रहे हैं, एलिन इन द वर्ल्डलैंड में आपको ये देखने को मिली 2010 में। एलिन इन द वर्ल्डलैंड ये डिज्नी वाली है दोस्तों, आल एक सीरीज भी है इसी नाम से, लेकिन मैं सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिज्नी की उस मूवी में देखने को मिली है। दोस्तों इनके बारे में अब हम सारी डिटेल बता चुके हैं, हम हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, एडू आल्डन ग्लोहोर। जी हाँ दोस्तों, 19 अप्रैल 1962 को इनका जन्म हुआ, 7 दिसंबर 2020 को इनका जन्म हुआ, और एक तरह से सॉरी दोस्तों मौत हो गई है 2020 में। एक ब्राज़ील अभिनेता है, उन्हें ब्राज़ील के साथ रेडियन ग्लोब पर काकाटूंस कार्य में भाग लिया। ब्राज़ील में कोविड-19 महामारी के दौरान 7 दिसंबर 2020 को रात को 58 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई दुखद, और इनके एक जैसे मामले में 7वें दिन सामूहिक उत्सव 14 दिसंबर 2020 को मनाया गया। एडलोस ग्लेस इनका नाम है, 19 अप्रैल 1963 को इनका जन्म हुआ, ब्राज़ील में एक तरह से ये रहते थे और मुख्य रूप से ये एक अभिनेता थे। 1989 से 2020 तक ये एक तरह से इस इंडस्ट्री में रहे हैं। गोल्विस ने 27 साल की उम्र में 1989 में और सालवर्ड डा प्रोटेन में सो ऑपरेट्स में डेब्यू किया। उनकी सबसे प्रमुख भूमिका 1982 में डेस्टन टी सोटेन में पाचोल पार्गोस और 1994 में ए विल्जन मार्टन बोर्ड और थारियन कोनियस थी। संगला का प्रोटेन और 1996 से 1988 तक 2001 में प्रोटेन डोस मिल्सन और ओर्सन फोर्सन, 2002 में ओ बेजिन और डोम हेमन में मारोड बोजन और 2019 में बॉम सेमियस में डॉक्टर रोजन मार्चोड के रूप में देखने को मिले। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1999 में तीरा डेंटिस में, 2001 में मेरा जीवन आपके हाथों में है और साथ साथ और भी कई मूवीज में वन स्टोन एंकलर टू और साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर भी आपको कई भूमिकाओं में देखने को मिली। गुड सक्सेस 2019 में साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिली है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर यानी इस सीरीज के अंदर आपको म्यूजिक देते हुए नजर आए हैं हमारे बेहतरीन कलाकार जिनका नाम है काटलोला एंजरो डी ओल्विन, जिन्हें काटलोला के नाम से जाना जाता है, टॉप हेड के लिए एक तरह से है नाम से इन्हें जाना जाता है। 21 अक्टूबर 1908 से 30 नवंबर 1980 के बीच में ये इस इंडस्ट्री में रहे और साथ ही साथ जन्म माना जाता है एक तरह से मैं आपको बताऊँ तो, और साथ ही साथ एक ब्राज़ील गायक संगीतकार और कवि थे जिन्होंने संगीत विकास में प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे। दोस्तों इनका जन्म 11 अक्टूबर 1908 को हुआ जैसा कि मैंने बताया, और ये इस इंडस्ट्री में बहुत ही एक तरह से पुराने थे, और म्यूज़िक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन ये म्यूज़िक दिया करते थे और साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के लिए एक उभरता सितारा थे, लेकिन दुर्भाग्य हमारा जो ये इस इंडस्ट्री में अब नहीं है। इनकी मृत्यु 72 साल की उम्र में हुई। मुख्य रूप से इनके बारे में मैं आपको और डिटेल बताता हूँ, काटलोन ने अकेले या सांझे के साथ 500 से भी अधिक गाने बनाए और एंजरो डी ओलियंस का जन्म 1908 में रियो डी जोरियंस और शहर के केटेन प्रोडोस में 75 वर्षीय रूसन फोरेस और विसन में हुआ। वह होस्टिन जोर्ग ओलविंस के एडोन ब्रिड्स की दंपति के 8 बच्चों में से सबसे बड़ी थी। हालांकि उन्होंने एजरोस नाम दिया लेकिन उन्हें एंजेस के रूप में पंजीकृत किया।
एक तथ्य जो कि उन्हें कई वर्षों बाद पता चला कि वह 1960 के दशक में डोनन जिससे अपनी शादी के लिए कागजात तैयार करा रहे थे, तो नोटरी के कार्य में नाम परिवर्तन की आवश्यकता न करने के लिए तब से उन्होंने अधिकांश तौर पर अपना नाम एंजरिल डी ओल्विंस के रूप में हस्ताक्षरित किया। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको जैसा कि सारी कुछ जानकारी बता रहा हूँ, इनका मर्द परिवार किमबिन डोज ग्रूटन ओडोस में था और उनके पूर्व सोलर डो बैंकों के मालिक और ओलब्रिस के पहले और बेरन के गुलाम थे। उनके नाना लुइस सिमरोज गोम जो कि एक प्रसिद्ध रसोईया थे। और साथ ही साथ दोस्तों, ग्विन्स की मृत्यु थी जब तक कि उन्हें जूलियस के चचेरे भाई ब्राजील के भावी राष्ट्रपति की पत्नी डीन ओल्सप्रोज द्वारा भर्ती नहीं किया गया। क्रोटोस का जन्म कैल्टोन्स के कैलियोन पड़ोस में हुआ, जहां उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा भी बिताया। जब वह 8 साल के थे तो उनका परिवार लार्जियस चला गया, जहाँ वह पड़ोस की टीम ड्यूफन के प्रशंसक बन गए। साथ ही साथ इसी के साथ जिसमें उन्होंने बताया कि ड्यून बेड क्रोड है। दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको पूरी खुल के सारे कुछ डिटेल तो बता ही चुका हूँ, कुछ डिटेल बाकी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 1999 में वित्तीय कठिनाइयों से प्रेरित होकर ओल्विस मोरन और द ग्लूजन चले गए, जो उस समय 50 से भी कम झोपड़ियों वाला एक छोटा नवोदय फैले था। जल्दी मोर्गन एक और निवासी मोर्जन चार्जन और न्यूटन के 6 साल बड़े थे। साथ ही साथ दोस्तों, इनके बारे में मैं आपको सारी कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। जब वह 15 साल की थी तो उन्होंने काम करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने केवल 4th कक्षा पूरी की और साथ ही साथ उनका झुकाव भोजन जीवन की ओर था। एक किशोर के रूप में उन्होंने एक प्रिंटर और प्रशिक्षण के रूप में काम किया, लेकिन जल्द ही राजा मिस्त्र बन गए और निर्माण स्थानों पर काम करने के दौरान ही उन्होंने अपना उपनाम लिया, जिसके साथ वे ब्राजील लोकप्रिय संगीत के महान नामों में से एक के रूप में पहचान में आने लगे। ओसीमेट को अपने बालों पर गिरने एक दश के लिए उन्होंने गोंदबाज टोपिन पहनना फैसला किया। वह 17 वर्ष के थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद अपने पिता, जो कि उनके भैषण झुकाव के दुश्मन थे, के साथ बड़े और संघर्ष के बाद उन्होंने घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक ऑफ ग्रिड का जीवन व्यतीत किया और शराब पीना चालू किया। 1980 के दशक में कोर्टन लोकप्रिय हो गए, जिसके लिए कई साबन रिकॉर्ड मिले, लेकिन प्रतिष्ठा वित्त पुरस्कार में दबरीत नहीं हुए। अपने बढ़ते परिवार का समर्थन करने के लिए उन्होंने राजमिस्त्र, महली बेचने एक तरह बेचने वाले और पनीर बेचने वाले के रूप में काम किया। उनकी पत्नी कभी भी रसोईया के रूप में काम करती थी। 1940 के दशक के अंत का हालात बदलता गया और 38 साल की उम्र में वह कोर्टन एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे और उनके ठीक होने के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की हृदय की समस्या से मृत्यु हुई। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक, जिसमें कलाकारों में कवर किया मिस यस, उनके दुखद के दौरान लिखी गई थी। कॉटन ने लेखन और रचना करना बंद कर दिया था। वे अपनी कई पत्नी डोरगेंस के नई पत्नी डोरेस के साथ नोपिस मालियस जंगली बस्ती में चले गए, जहां पर उन्होंने एक तरह से नौकरी का काम किया और नौकर का काम किया। 1952 में उनकी मुलाकात डोरस डिक्सन से हुई और उन्हें प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया और जिसमें उन्हें संगीत में लौटने के लिए राजी किया। 1956 में प्लूस ए कैपर बोस के रूप में काम करते समय पत्रकारों के साथ देखने को मिले और साथ ही साथ और भी कई भूमिकाओं में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में ये देखने को मिले हैं। मैं आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। 1983 में प्लेबॉय साहब उनके व्यापक दर्शकों तक चले जाने के बाद ये मुख्य रूप से देखने को मिले और इनकी भूमिकाएं भी बहुत बेहतरीन थीं और इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत नाम कमाया था। 1986 में फेयरबैंक्स साहब उनको व्यापक दृश्य तक लाने के लिए उत्साह और कोर्टन में सामना करना पड़ा और इसी के साथ ये आगे बढ़ते रहे हैं। और सबसे पहले
ये उस समय की सबसे महत्वपूर्ण स्थानों के रूप में जाने जाने लगे, जो कि पार्वी बोस्तन और आर्बिन बोस नोबल आंदोलन के साथ एक बड़ी कड़ी प्रदान करता है। होर्टन ने नेशनल क्रॉबी और पीसन नारूस ओल्पोलियस्ता विलियस और जे के क्रिट्स जैसे लोगों को कम मूल्य संगीत गाने के लिए एक तरह से आमंत्रित किया, जैसा कि व्यक्तिगत रूप से सार्बिट के उनके काम के लिए संदिप्त किया गया था। कोर्टन के व्यावसायिक सफल 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक की शुरुआत में हुई, जब वह काफ़ी लोकप्रिय हो गए और बहुत सारे शराबी बुलिक्सन रिलीज हुए। साथ ही साथ उन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड 66 साल की उम्र में 1975 में जारी किया। हालांकि उन्हें वित्तीय कठिनाई थी, फिर भी उन्होंने 72 वर्ष की उम्र में अपनी मृत्यु तक रचना की और गाया। और कोर्टन का जीवन डिवोट कोर्टन ओमा विद एवरिट रोजन्स और जनवरी 2013 में प्रकाशित हुई बुक में भी है। कोर्टन और जे के 1960 की फिल्म ब्लैक ऑफिस में एक सिटी हॉल में एक जोड़े के रूप में संतृप्त रूप से दिखाई दिए, जब मुख्य पात्र शादी करने के लिए पंजीकृत करते हैं। कोर्टन को धुन सुर और गीत तैयार करना आता था। उनके गीत पुर्तगालीन के सबसे सही उपयोग के लिए उल्लेखनीय हैं। विशेष रूप से उन्होंने अनौपचारिक अच्छी शिक्षा की कमी को देखते हुए उनकी कवित और जुल्टन की उपेक्षा करते निम्न स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली तरीके से लोचन और भावनाओं को भगाती है, जिसमें उनका काम आबादी के बड़े स्तर पर पहुँचे योग्य है। गीत के संदर्भ में कोर्टन के संगीत और सार्बन स्कूल और अन्य संगीत के संगीतों में दिखाए जाने वाले तेज और तेजन साब और डीन एन विप्सी और सान डीमन प्रात की ओर एक मजबूर प्रवृत्ति थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनके साबन और साबन क्रोशन की उनकी रूजी थी। और साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन और रेसिंग मूवी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ और वो भी इसे जाकर देखे। और साथ ही साथ मेरा सजेशन ये है, ये एक ठीक ठाक टाइम पास वन टाइम वॉच मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, आप जाकर एक तरह से इसे देख पाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।